पुराने दोस्त हैं मेरे अमिताभ रंजन जी, उनकी सुपुत्री के जन्मदिन में आज 14 साल की हो गई है और मैं समझता हूँ कि आगे बहुत उसे पढ़ना है, आगे बढ़ना है, तरक्की करना है। उनके दादाजी यहाँ बैठे हैं जो उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं और इस परिवार को ही मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। अच्छे लोग हैं, प्यारे लोग हैं, आगे बढ़ते रहे, जी हजारों साल, यही तरह से दुआ दे रहा है सुनील पाल जी। सर यहाँ प्रोग्राम किया गया है, इतने लोग आए हैं, उनके लिए क्या कह देंगे? ये एरिया जो है नालासोपारा और विरार मेरा बहुत ही फेवरेट है, क्योंकि मेरे बहुत पुराने दोस्त और बहुत सारे दोस्त यहाँ रहते हैं, तो मेरे लिए एक पिकनिक स्पॉट की तरह है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर घूमने मैं थका हारा हो जाता हूँ तो मैं यहाँ आ जाता हूँ घूमने के लिए। और यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो रहते हैं यहाँ पर है, जिनका फार्म हाउस, जिनका बिल्डिंग है, जिनका कोई रेस्टोरेंट सबर्बन में है, बॉम्बे में है, तो ये कह सकते दिल वालों का की जगह है। बहुत ही पढ़ाकू और बहुत ही संस्कारी बच्ची है, मुझे लगता है कि आज के ज़माने में जो लड़की को होना चाहिए, स्मार्ट, पढ़ी लिखी, एक क्रिएटिव, और जो आज के सोसाइटी के हिसाब से नज़र मिलाकर बात कर सके, वो सारे गुण उसके अंदर है। और यही मैं समझता कि नालासोपारा आज से, मैं 20-25 साल से आ रहा हूँ, लेकिन अब का नालासोपारा जो है वो किसी दुबई या किसी न्यूयॉर्क से कम नहीं। पहले कहावत थी गरीबों का सहारा नालासोपारा, लेकिन अभी अब हो गया अमीर को मिलेगा सहारा अगर आएगा नालासोपारा। मेरी फिल्म आ रही है, एक गाली गलौज फिल्म आई है जो सुनील पाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, सुनील पाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, एंड एक फिल्म आ रही है कॉफ़ी विद अलोन, उसका पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है। बहुत बढ़िया फिल्म है, मुझे लगता है कि ऋतिक रोशन मेरे फेवरेट एक्टर हैं और उनकी तो फिल्म में कोई भी मैं देख नहीं पाया, लेकिन देखूंगा मैं, मुझे लगता है कि वो कैरेक्टर और टाइटल पे सूट करता है फाइटर। उन्होंने जीवन में बहुत सारी चीज़ों पे ऐसे ही लड़के अपने आप अपनी सफलता हासिल की। बहुत बढ़िया, मैं समझता हूँ कि प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में राम जी की कृपा हम सब पे बनी रहे, क्योंकि राम जी का जीवन जो है वो एक साधारण जीवन से राजा से भगवान होने का सफ़र है, और वो ये दर्शाता है कि वो ताकत आप में भी है, वो चीज़ आप में भी, आप भी अगर चाहो तो माता पिता की सेवा करके, अच्छे गुणों को अर्पण करके आगे बढ़ सकते हो और एक दिन आप भी औरों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन सकते हो। जय श्री राम। मेरा सवाल जो है ताऊ जी से है, सबसे पहले तो मैं आपको राम राम बोलूँगा। मेरा सवाल ये है, एक लड़का घर से मतलब चोरी चुप के निकल आता है और वो दिल्ली में पहुँच जाता है, बहुत समय तक उसने दिल्ली में समय बिताया और वो अपने पापा को नहीं बताता है कि मैं दिल्ली में क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद उसने मुंबई का सफ़र किया है, उसका नाम अमिताभ रंजन है, क्योंकि दिल्ली में भी हम लोगों ने बहुत समय एक साथ बिताया था और मुंबई में भी, तो क्या कहना चाहेंगे रंजन के बारे में? चाचा जी को पहले से ही पता था कि वो नाम कमाएगा, तभी तो उसका नाम अमिताभ रखा इन्होंने। अमिताभ का अर्थ होता है जिसकी सुंदरता को नापा नहीं जा सकता। तो बहुत सुंदर है, प्यारा है, और मेरी पुतोहू जो है उसको मैं बेटी ही कहता हूँ, एक बेटा दूसरा बेटी, अंग्रेजी में बहुत स्पष्ट है, बेटा तो नेचुरल हो गया और कानूनी रूप से बेटी वह हुई, अंग्रेजी में पुतोहू को डॉटर इन लॉ कहते हैं कानून, और बेटी से जो जमाए हुआ, जमाए के लिए अंग्रेजी में है सन इन लॉ, तो वो बेटा हो गया, समझे ना, तो बेटा बेटी हैं ये हमारे, समझे ना। और उनकी प्यारी सी पुत्री सुप्रिया, सुप्रिया माने जो बहुत प्रिय हो, है ना। और मेरा मन तो गदगद हो गया जब अमिताभ जी के कहने पर मैंने दुर्गा जी की वंदना लिखी, और मैं लिखता हूँ तो संस्कृत के शब्द अक्सर आ जाते हैं, उसका इसने जो गायन किया है उसको सुनकर मैं दंग रह गया, उसको याद कर लिया हूँ बहू, इसके लिए मैं बहुत प्रसन्नता जाहिर कर रहा हूँ, बहुत आगे बढ़ेगी। और मैं कहता हूँ कि गीतकार अमिताभ और संगीत देने वाली मीनू, एक मिनट, संगीतकार हुई, मेलोडी सुर हुआ, है ना, तो संगीत गीत को सुर से बांध दिया तो वो संगीत हो गया, तो ये अमिताभ गीतकार और वे
संगीतकार हुई, दोनों की जोड़ी बनी रहे, ये मैं शुभकामना व्यक्त करता हूँ। और सुप्रिया का भविष्य उज्जवल हो, यह जग में नाम करे। और इसके साथ मैं कह रहा हूँ, ये जितने लोग आए हैं, आप सब इस मजलिस की शोभा हैं, आप सब के भविष्य की सफलता की कामना करता हूँ, सुंदर भविष्य की कामना करता हूँ। इसके बाद अब आगे जो प्रश्न हुआ, सुप्रिया लव यू। सर जी एक सवाल, हाँ, एक लंबा समय या 17-18 साल से आप हम सब देख रहे हैं, हम सब लोगों ने एक ही साथ 2-4 साल का बहुत सारी फिल्मों में बड़े बड़े गाने किए हैं, तो आप अमिताभ के बारे में क्या कहना चाहेंगे उनकी तरक्की? वेरी वेरी हैप्पी, मतलब मैं समझता हूँ कि उसके हर कदम पे मैं बहुत खुश हूँ और मेरी शुभकामना उसके साथ में है। बहुत ही प्यारा बंदा है और बहुत ही समझदार, सुलझा हुआ, और जैसे बाबूजी ने कहा कि संस्कारी बंदा है, तो ऐसे बंदे को कोई रोक नहीं सकता, तो परमात्मा भी उसके साथ होता है। देखा जाए तो से बाहर बहुत कम जाते हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा कोई ना कोई इवेंट में मिलते ही रहते हैं, तो आज यहाँ तक आप आए हैं, कितना लगाव है? मेरी हमेशा ही इच्छा रहती है। हेलो, आज एक्चुअली मेरे दो प्रोग्राम है, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा जल्दी, और सुप्रिया कहाँ है? रात यहाँ रुकता, और क्योंकि मुझे 11 बजे कहीं पहुँचना है अंधेरी में ही, तो मुझे भागना पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये ऐसा एरिया है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलके रहते हैं, भाई भाई, नफरत को देते दुनिया से विदाई। इसलिए कहता हूँ भैया, यहाँ पर आने की जब भी कोई गुंजाइश होती है, मैं तो नहीं छोड़ूंगा भाई। क्या आपको आज यहाँ कैसा नहीं लगा, जैसे हम जहाँ से शुरुआत एक गांव से आए हुए, बिल्कुल? मैं चाहूँगा इंटरव्यू थोड़ा जल्दी करें, गाना कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल, थैंक यू जी, इंटरव्यू तो फिर हो जाएगा।